सा फर्स्ट, रे सेकंड, ग थम, म फर्स्ट, प सेकंड, ध थर्ड, नी थम, सा फर्स्ट। अब आप लोग बोलेंगे सा फर्स्ट, रे सेकंड, ग थम, म फर्स्ट, प सेकंड, ध थर्ड, नी थम, सा फर्स्ट। सा फर्स्ट, रे सेकंड, ग थम, म फर्स्ट, प सेकंड, ध थर्ड, नी थम, सा फर्स्ट। सा फर्स्ट, रे सेकंड, ग थम, म फर्स्ट, प सेकंड, ध थर्ड, ध थम, सा नी थम, सा फर्स्ट। ठीक है, ये ऐसी गड़बड़ आपसे भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि पूरा पूरा ध्यान वहाँ पर रखते हुए बोलेंगे, क्योंकि इसमें अगर गलती हुई तो आगे भी आपसे गलती होगी। अब एक बार फिर से सही बोलना है। सा फर्स्ट, रे सेकंड, ग थम, म फर्स्ट, प सेकंड, ध थर्ड, नी थम, सा फर्स्ट। वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमको याद हो गया तो हम आगे इसके अगले स्टेप का जो ट्रेनिंग है उसकी ओर बढ़ सकते हैं, जिसमें हमको अब फिर से हमारा जो बनाया हुआ ड्राइंग है वो हमारे सामने रखना है, और उस ड्राइंग के साथ हमारे फिंगर्स जो कि हमने अभी याद किए उसको दिखाते हुए इसको आपको बोलना है। तो एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं, ये की पर हमारी वही फिंगर अभी रखना नहीं है, सिर्फ उसके सामने दिखाना है। देखिए, सा फर्स्ट, रे सेकंड, ग थम, म फर्स्ट, प सेकंड, ध थर्ड, नी थम, सा फर्स्ट। फिर से करते हैं, सा फर्स्ट, रे सेकंड, ग थम, म फर्स्ट, प सेकंड, ध थर्ड, नी थम, सा फर्स्ट। चलिए अब आप कीजिए। सा फर्स्ट, रे सेकंड, ग थम, म फर्स्ट, प सेकंड, ध थर्ड, नी थम, सा फर्स्ट। सा फर्स्ट, रे सेकंड, ग थम, म फर्स्ट, प सेकंड, ध थर्ड, नी थम, सा फर्स्ट। जैसे कि इस तरह का कोई काम हमने पहले किया नहीं है, तो इसको करते वक्त जरूर शुरू में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, क्योंकि हर काम शुरू में जितना आसान लगता है वो होता नहीं है। जब हम उसको करते हैं तभी पता चलता है कि वो कितना आसान है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो अभ्यास से हर चीज़ हमारे लिए आसान हो सकती है। तो अब इसकी जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, तब आप अपने फिंगर्स को इस ड्राइंग पे रखते हुए अभ्यास करेंगे, और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो फिंगर आपने रखा है उसके बाद जब अगला फिंगर आप रखेंगे तो पहले वाला फिंगर अपनी जगह से उठ जाना चाहिए, और
जब थंब का मूवमेंट करेंगे तो वो कभी भी ऐसे उल्टा नहीं करेंगे, वो अपने हथेली के नीचे से ही उसका मूवमेंट करेंगे, ये इस तरह से जैसे मैं ये उल्टा कर दिखा रहा हूँ, ये नीचे से ऐसे मूव होगा, ठीक है। तो अब इस ड्राइंग का इस्तेमाल हम शुरू करेंगे, और अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे इससे जो हमारे हाथों का अभ्यास होगा वही हम जब असली पियानो में करेंगे तो वहाँ पे हमको आवाज़ भी उसकी सुनाई देगी, और हम बिना पियानो के भी ये फर्स्ट लेसन पियानो बजाने के लिए सीख सकते हैं घर में बैठकर बिना पियानो के। देखिए शुरू करते हैं। अब हमको जिस की पे जो स्वर हम बोल रहे हैं वो जिस की पर लिखा है उस की पर जो फिंगर बताई गई है वही फिंगर रखते हुए इसको बोलना है। मैं शुरू कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। और इस वक्त हमको हमारी पांचों उंगलियां खुली रखनी है, ठीक है। इस तरह से इस तरह से इस तरह से नहीं करना है, बजाते वक्त या इस ड्राइंग पर अभ्यास करते वक्त हमारी पांचों उंगलियां खुली होगी इस तरह से। सा फर्स्ट, सा की फिंगर मैंने रख दी, बाकी सब उठी हुई है। अब अगली की रे है, रे सेकेंड, रे की फिंगर मैंने रख दी। अब ग के लिए थंब रखना है, इसलिए थंब को नीचे से मूव करके आगे ले जाना है। ग थंब, म फर्स्ट, प सेकेंड, ध थर्ड, फिर नीचे से नी थंब, सा फर्स्ट, ठीक है। अब इसको एक बार और करते हैं। देखिए आपको फिंगर्स दिखाई दे, स्वर भी दिखाई दे, इसलिए इसको नीचे कर रहे हैं। सा फर्स्ट, रे सेकेंड, ग थम, म फर्स्ट, प सेकेंड, ध थर्ड, नी थम, सा फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब आप कीजिए। सा फर्स्ट, रे सेकेंड, ग थम, म फर्स्ट, प सेकेंड, ध थर्ड, नी। थर्ड, फिर से करो। सा फर्स्ट, रे सेकेंड, ग थम, म फर्स्ट, प सेकेंड, ध थर्ड, नी थम, सा फर्स्ट। फिर से। सा फर्स्ट, रे सेकेंड, ग थम, म फर्स्ट, प सेकेंड, ध सेकेंड, ध थर्ड, नी थम, सा फर्स्ट। देखिए आपने देखा होगा कि बड़ी आसान सी लगने वाली ये चीजें जब हम करने जाते हैं तो कैसे गलतियां होती है, और ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इसलिए इसमें अच्छी तरह से अभ्यास होना जरूरी है। इसलिए अभी तक भी जो लोग जो इसे समझ रहे हैं कि ये क्या बड़ा इजी है और ऐसे होता है क्या, बिना कीबोर्ड के बिना असली इंस्ट्रूमेंट के कहीं हम बजाना सीख सकते हैं क्या, तो वो ये देख ले कि यहाँ पर पे भी ये जरूर हो सकता है, लेकिन आपको पूरे ध्यान से पूरे एकाग्रता से उसको सीखना होगा, हर स्टेप को बड़ी गंभीरता से उसका अभ्यास करना होगा। और यहाँ अभी आपने देखा कि असली कीबोर्ड या कैशियो पियानो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके जो बेसिक स्टेप्स हैं वो करने में बिना कीबोर्ड के एक ड्राइंग पे हम उसको कर सकते हैं, फिर भी हम उसमें उतनी आसानी से नहीं कर पा रहे हैं। तो
इसलिए कोई अगर ये इंतज़ार करते बैठा है कि सच्चा असली कीबोर्ड जब मेरे पास आएगा तब मैं शुरू करूँगा या करूँगी, तो वो ये देख लें कि ज़रूरी नहीं आपके पास असली कीबोर्ड अभी हो या इंस्ट्रूमेंट हो। बिना इंस्ट्रूमेंट के भी आप इसका जो अभ्यास है, जो उसकी बेसिक तैयारी है, वो इस ड्राइंग पर अच्छे से कर सकते हैं। पूरे ध्यान से आपको करना होगा, और जब आप इसमें इसको अच्छे से कर लेंगे, इसमें आपका परफेक्शन आ जाएगा, तब फर्क अब सिर्फ ड्राइंग की जगह आपके सामने असली कीबोर्ड या पियानो आने का ही बचा रहेगा। बाकी आप जो ड्राइंग पे अच्छे से कर लेंगे वही आप असली कीबोर्ड पे भी करेंगे। तो आपको ये जो पहला लेसन है, सारे गम प ध नि सा, ये तो अभी सिर्फ आरोह है, असेंडिंग ऑर्डर है, ये आपको उस पे बजाना आ जाएगा। तो इस पहले स्टेप की आप अच्छे से तैयारी कीजिए ड्राइंग पर, उसके बाद फिंगर दिखा के याद करना, और याद हुआ है कि नहीं ये अपने भाई बहनों के सामने बैठकर चेक करवा लीजिए, अपने माता पिता, अगर दादा दादी नाना नानी घर में हैं तो उनसे भी चेक करवाइए, उनको भी बड़ा आनंद आएगा और आपको भी बड़ा आनंद आएगा। तो अब यहाँ से हमारी प्रैक्टिस शुरू होती है, और मुझे लगता है कि अभी तक आपके मन में जो डाउट्स थे वो अब क्लियर हो गए होंगे कि बिना कीबोर्ड के, बिना असली इंस्ट्रूमेंट के भी हम सीख सकते हैं या नहीं। तो आपने देख लिया कि जितना सीख सकते हैं उतना तो हम बिल्कुल सीख सकते हैं एक ड्राइंग की मदद से, और बिना असली इंस्ट्रूमेंट के वेट करने में समय गंवाए हम इसको सीख सकते हैं। तो आप भी अब समय मत गवाइए, और इस वीडियो में जो जो भी आपको बताया गया है उसकी तैयारी अच्छे से करिए, और अगले वीडियो के लिए, अगले लेवल के ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।